वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों दोस्तों आज इंडोनेशिया में भी सुबह के 6 बजे हुए और मैं बाहर जा रहा हूँ। आज मेरा पर्सनल काम भी है और मैं वहाँ से एक जगह भी जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कमेंट और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कैसा है यार, ये इंडोनेशिया का टॉप 10 बीचों में आता है। एक बीच ये भी है, ये मेरे घर से करीबन 90 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ आज आपको दिखाने के बीच के लिए। बीच मेरा पर्सनल काम भी हो गया यहाँ से, मैंने आपको कहा था सुबह मैं पर्सनल काम के लिए भी जाऊँगा, तो मैं पर्सनल काम मेरा हो गया तो भी फ्री है हम दिन भर, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको बीच। तो मेरी वाइफ कह रही है कि पहले कुछ खा ले, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं। हम सुबह के 6 बजे घर से निकले, अभी तक खाया कुछ नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर ऑफिस में जाना था, वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग गया, तो उससे मैं घर से जल्दी निकला था कि जल्दी जल्दी पहुँच जाए यहाँ पर। अभी सुबह के यहाँ के 11 बज चुके हैं शायद, तो अभी मैं जाऊँगा पहले कुछ खाऊँ, फिर मैं जाऊँगा समंदर में नहाने के लिए, फिर वो भी वीडियो बनाएंगे, फिर आपको भी दिखाएँगे। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, अभी वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आज। अरे पहले हम कुछ खाते हैं। अभी दोस्तों हमारा खाना भी आ चुका है, अभी हम खाना खाएँगे थोड़ा सा। खाना खा रहा हूँ मैं भी, नूडल खाएंगे, बाद में जाएंगे हम उधर सी में। यहाँ सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने यार। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कितना मेहनत करना पड़ता है क्रिएटर को वीडियो बनाने के लिए। सुबह निकला हूँ मैं, अजान होते ही मैं चला गया था घर से, तो अभी मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। मेरी वाइफ वीडियो बना रही है मेरा, देख रहे हो। चलो मकान टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। मैं जा रहा हूँ भैया नहाने को, चलते हैं समुंदर में नहाने के। अगर मेरी स्किन खराब हुई ना, पैसे आपसे दूंगा। वेटिंग हियर no need open is
ये देखो सब बीच है, लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, रेत ही रेत है नीचे। यहाँ का पानी बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पर लोग काफ़ी सारे मरते हैं हर साल 20-25 लोग, क्योंकि यहाँ का पानी, जहाँ की लहरें बहुत तेज़ है, आप देख भी सकते हो यहाँ तक पानी आता है कभी कभी, देखो निशान यहाँ तक है मार्क, यहाँ से अगर हम सीधे जाएंगे ना तो हम ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएंगे, करीबन 300 किलोमीटर दूर है। अगर समंदर से हम रास्ता तय करेंगे तो 300 किलोमीटर दूर है तो ऑस्ट्रेलिया नज़र आता है यहाँ से, तो वहाँ तक इंडोनेशियन नेवी जाने नहीं देगी, तो यहाँ तक ही जा सकते हैं, 100-200 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। मेरा भी ये यहाँ पर मार्केट है थोड़ा सा, हो रहे घोड़े वोड़े यहाँ पर है भैया, मस्ती थोड़ी सी करेंगे पानी में, मैं थोड़े कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ तो फिर जाऊँगा मैं पानी में। I know. Why are you not swimming? You swim now? Center na? You are fried. You are fried. भाई लहरें बहुत तेज हैं, मैं उधर जा नहीं सकता, मुझे तैरना भी नहीं आता है, अगर मैं डूब गया तो समझो ख़त्म थे, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ अंदर ज़्यादा, बस यूँ ही दूर से ही एंजॉय कर रहा हूँ।
यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरी वाइफ ना बैठी है वहीं पर, मैं देख रहा हूँ आपको लहर कितनी बड़ी आती है, पानी ऊपर तक चला जाता है, दूसरी लहर भी आएगी अभी। यहाँ का पानी बहुत ना डेंजर है, इसे बहुत लोग मरते हैं यहाँ पर। देखो दूसरी कितनी बड़ी लहर आ रही है, देखो बहुत यहाँ पर बहुत लोग हैं, देख सकते मेरे पीछे भी देख सकते हैं बहुत लोग हैं। अभी मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है ना, इसीलिए गुजारा इसी से करो भाई, पानी घुटनों तक चलाता है। वो मैं अब दिखाता हूँ आपको मछली कैसे पकड़ते हैं यहाँ पर लोग। लेकिन यहाँ पर ना छोटे छोटे बोट ना घर जैसे बने समुद्र में, ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं इससे। यहाँ से मेरे यहाँ से लगभग 50-100 मीटर दूर पर है। मेरा मोबाइल इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ, फिर भी मैं जूमिंग करके दिखाता हूँ आपको। अगर नज़र आया तो नज़र आ रहा है एक वहाँ पर छोटा सा है, तो ये लोग यहाँ पर ना मछली पकड़ते हैं इससे। पूरा नहीं भिगाऊंगा अपने बदन को, क्योंकि समुद्र के पानी से एलर्जी होती है, काफ़ी सारी डिजीज लग जाती है इससे किसी ना, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया, बस बाहर ही थोड़ा सा था, क्योंकि फिर खतरा होता है एलर्जी होने का। समुद्र के पानी में नहाना स्किन के लिए अच्छा नहीं है। मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है, और फिर शाम तक पहुँच जाऊँगा घर, स्किन पूरी सूख जाएगी, फिर कुछ भी हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, इसलिए मैं अंदर गया नहीं, बार बार से ही आपको दिखा रहा हूँ तो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ। आप लोग वीडियो को कमेंट लाइक ज़रूर करना है, कैसा लगा आपको ये इंडोनेशिया का ये बीच, कैसा लगा आपको। काफ़ी सारे हैं यहाँ पर लोग, तो अभी देख रहे हैं आप कितना नज़ारा आता है। मेरा पैंट ढीला है, ये छिछली जा रहा है, देखो कितना कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, ये यहाँ का मशहूर बीच है ना, यहाँ पर टॉप 10 बीचों में ये बीच आता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी दफ़ा इसको ठीक किया, बैठने के लिए जगह वगैरह बने, लेकिन हर वक्त यहाँ सुनामी आती है, तो पानी अपने साथ सब कुछ लेके जाता है, इसलिए फिर यहाँ पर डेवलपमेंट उतनी नहीं की, गवर्नमेंट ने जितना करना चाहिए था उतना नहीं, फिर भी ठीक ही है। यहाँ पर पार्क शार्क बनी हुई है, ऊपर खाने के लिए सब कुछ बना हुआ है, तो बाकी सब यहाँ पर ठीक ही है। यहाँ पर हर साल सुनामी आती है ना, पूरा यहाँ पर ढह जाता है, तो पानी भी बहुत तेज़ है, यहाँ का स्पीड भी बहुत तेज़ है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। आपका भाई खतरा नहीं बोलना चाहता है ना, ये यहाँ पर एक और बीच है, अगर आप मैंने चाह वहाँ जाना तो मैं आपको वो दिखाऊँ, वहाँ की लहरें थोड़ी शांत हैं, वहाँ पर बंदा आसानी से समंदर में जा सकता है, आ भी सकता है, तो वहाँ थोड़ा शांत है, वहाँ पर फैमिलीज बच्चे ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इजीली हम नहा सकते हैं अंदर, यहाँ पर ख़तरा बहुत है, और मुझे तैरना भी नहीं आता इसलिए मैं जाकर नहीं जाता। आप देखो पूरा व्यू देखो, आप देखा आपने पीछे जो मेरा है वो मार्केट थोड़ा सा बना हुआ है खाने के लिए, बैठने के लिए स्टॉल तक है, काफ़ी अच्छा है, हमको काफ़ी अच्छा लुक है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। चलो चलो मैं भी शायद घर जाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा शाम तक, तो वीडियो आ ही जाएगा ना। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखना, आइंदा भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे ब्लॉग पे, और वीडियो अंत तक आपने अगर अंत तक देखा हो वीडियो तो ठीक है, क्या कह रहे हैं, मैं घर भी जाऊंगा रास्ते में, और भी दिखाऊंगा आपको कुछ कुछ, अगर मिल सकता है मुझे रास्ते में अच्छी जगह तो वो भी दिखाऊंगा आपको स्कूल में। वैसे हम शाम को ही घर पहुँचेंगे, अंधेरा हो चुका होगा तब तक, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, रास्ते में मेरी वाइफ कह रही पार्क भी है, शायद वहाँ भी जा सकूँ मैं या नहीं जा पाऊँ पता नहीं है, लेकिन वहाँ का वीडियो भी मैं डालूँगा, या इस वीडियो में नहीं अगले शायद कल के वीडियो में डालूँगा उसको, तो वो पार्क रास्ते में आता है, तो वो भी हम घर जा रहे हैं, यहाँ धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, और मैं अकेले पानी में गया, मेरी वाइफ अभी सिक है, अभी बीमार है, नहीं जा सकती है पानी, अभी मैं ही गया हूँ अभी, तो नेक्स्ट टाइम मैं और एक बीच पे जाऊँगा, तभी वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, तभी वो एंजॉय करेंगे और ज़्यादा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों, अंत तक भाई समंदर में खेलने के बाद भूख बहुत लग गई, इसे मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में आया हूँ, मैं रेस्टोरेंट का लुक दिखाता हूँ, इंडोनेशिया में ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट कैसे होते हैं।
यहाँ पर बैठने के लिए आपको कैसा मिलता है वो भी दिखाऊँगा। यहाँ पर सीधे ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ। टेबल की हाइट आप देख सकते हैं, वैसे भी रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको मेज़ कुर्सी मिल सकती है। ये भी ये ट्रेडिशनल है, कितने लोग हैं, ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है। चलो मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद हम घर जाएंगे, उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे, है ना।